और सब दैट इज ऑल राइट. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को ठीक है सब कुछ या नहीं. योर ऑनर देयर वर यस नो. चार डालों में लोग आए ने कहा पूछते अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है. इट्स अ वेरी सीरियस. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है. प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और नहीं आप यहाँ ना बात करें जी. क्या माय लॉर्ड आई हैव स्पोकन विद द आईजी आई हैव स्पोकन विद द सेक्रेटरी इंटीरियर आई हैव स्पोकन आई हैव टेकन इन लूप द अटॉर्नी जनरल एज वेल. मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दे आर फाइंडिंग आउट के क्या हुआ क्या है व्हाटएवर इट इज वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को. नहीं यू वी वांट इट फिक्स्ड माय लॉर्ड. वी वांट इट फिक्स्ड माय लॉर्ड. इट विल ठीक. गौर साहब यू वांट टू अकॉम्पनी हिम यू कैन गो. डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, to in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And is case mein koi proper trial hui bhi nahi. Ye to summary matter mein summary proceedings mein court ne election commission ne faisla kar diya. They just decided their hearing hui questions puche aur ne kaha ji we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है हमें भी एविडेंस लाने दें उनको भी लाने दें एंड एक प्रॉपर ट्रायल करें इफ दे हैव द ज्यूरिसडिक्शन अज्यूमिंग दैट दे डू. माय फर्स्ट पॉइंट इज दे डोंट हैव द ज्यूरिसडिक्शन बट अज्यूमिंग दैट दे डू कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying जी मैं nomination paper लेने आया था मुझे नहीं मिले जबकि उसने panel भी नहीं लेके आया कोई बंदा जी. Sir, my next point was a point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. लॉर्डशिप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पे अ लॉट ऑफ जजमेंट्स हैव कम बाय नाउ एंड द लॉ इज वेरी वेल. ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चले गए ये इसका जवाब देते जी. मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी जी, ये सवाल पूछा. हाँ जी सर इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटीशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पर जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई दैट हैज नथिंग टू डू विद PTI और एनी ऑफ द पीपल हेयर. वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को आप मानते हैं तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं वहां पे गुजरांवाला के सदर है जी होगा सर नहीं होगा बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल. बिल्कुल उससे ना ताल्लुके का इजहार करेंगे वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो पीटीआई. मैं तो खुद पिटीशन को देख आए आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी इंडिविजुअल ने फाइल की पीटीआई की नहीं है ये बात. डोंट
उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है। हम ये आपकी पेशावर वाली पिटिशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया, वो तो पीटीआई लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है। नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी जी मैं पहले पांच मेंबर की बात कर रहा। अब वो जवाब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया उसमें, उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब जस्टिस जवाद हसन साहब उन्होंने उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज ही नहीं किया है। वो भी वो तो कहा उन्होंने आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पिशावर हाई कोर्ट में और पिशावर हाई कोर्ट वो भी बात की लेकिन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू डील विद इट। ओपिनियन भी दे दिया अपना, अपना दे दिया वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थे दूसरी ठीक है, तो उन्होंने दोनों चीजें कर दी। बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूं और मैं कहता हूं फेयर ट्रायल को व्हिच सेज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस or in any criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members let us say dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And is case mein koi proper trial hui bhi nahi, ye to summary matter mein summary proceedings mein court ne election commission ne faisla kar diya, they just decided their hearing hui questions puche aur ne kaha ji we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है हमें भी एविडेंस लाने दें उनको भी लाने दें एंड एक प्रॉपर ट्रायल करें इफ दे हैव द ज्यूरिसडिक्शन अज्यूमिंग दैट दे डू। माय फर्स्ट पॉइंट इज दे डोंट हैव द ज्यूरिसडिक्शन बट अज्यूमिंग दैट दे डू, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया। Can't be done on just one person standing up and saying, मैं nomination paper लेने आया था मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा। जी सर, my next point was a point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. लॉर्डशिप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पे अ लॉट ऑफ जजमेंट्स हैव कम बाय नाउ एंड द लॉ इज वेरी वेल। ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका पांच मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते आप उसको अबैंडन करके पिशावर कैसे चले गए, ये इसका जवाब देते जी। मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी जी, सवाल पूछा। हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यूंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पर जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी आईसीए हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई।